तो नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल समझू फर्स्ट। और आज के थंबनेल में देखा होगा कि आपको GT 10 Pro इसके बारे में बताएंगे। इन्फिनिक्स का मोबाइल है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी इन्फिनिक्स वाले जितना यानी हो सकता है उससे ज़्यादा कहीं कैपेसिटी दे रहे हैं और अच्छा मोबाइल दे रहे हैं। मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप लोग मोबाइल ख़रीद सकते हैं। ठीक है, मोबाइल के बारे में जान ले, अगर आपको कुछ जानना है तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहे, आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। और आप लोग यहाँ से क्या सीख के जाते हैं हमें कमेंट करके बताना। यदि आपने से कोई भी लिया है तो हमें ज़रूर बताना, कमेंट करना कैसा चल रहा है। मैं तो ख़रीदा नहीं, लेकिन फिर भी ये कंपनी की तरफ से जो मोबाइल मिला है बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं आपको की स्पेस मिल रहा है इसमें। और ये जो है रैम की बात की जाए तो 8 GB रैम का है, प्रोसेसर है मीडिया टेक डिस्मेसी 8050। ठीक है, रियर कैमरा है 108 MP का है, फ्रंट कैमरा है 32 MP का। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 5000 mAh का बैकअप है इसका। और डिस्प्ले है 6.67 इंच यानी 16.94 सेंटीमीटर। और इसमें लॉन्च की बात की जाए तो अभी ये जस्ट फिलहाल लॉन्च किया गया है अगस्त 3, 2023 को। ठीक है, अभी लॉन्च हुआ है। और ये फ़ोन का यानी जो कंपनी है AXOS कंपनी है, ये कंपनी जो है AXOS बना रही है। एंड्रॉयड Y13। ठीक है, इसका जो बात करें CPU का, CPU बहुत अच्छा है, ऑक्टा कोर का है। और इसमें 64 बिट का जो भी होता है मदरबोर्ड वगैरह 64 बिट का है। 4 वर्सन है 6 NM। और ग्राफिक्स जो माली होता है वो G77 है। रैम है 8 GB रैम, ठीक है, 8256 का है। और रैम टाइप है LPDDR4। ठीक है, और डिस्प्ले टाइप है AMOLED। स्क्रीन साइज है 16.94। ये तो आपने देख लिया। और रिजोल्यूशन इसका जो यानी इमेज वगैरह वीडियोस वगैरह वो सब देखते हैं, इसके बारे में बात करें तो 1080x2480 बहुत भारी पिक्सल का दिया गया है। एक्सेप्ट रेशियो है 20। ठीक है, पिक्सल डेंसिटी है 403 है। स्क्रीन बॉडी है 85। ठीक है, रेशियो इसका 85 है। और बेजलेस है, यस पच होल डिस्प्ले, टच स्क्रीन भी है। और इसमें जो है ब्राइटनेस 900 nits का है। और रिफ्रेश रेट है 120 Hz। डिज़ाइन किया है इसको 162, विड्थ है जो है हाइट 162 है, विड्थ है इसका 75 है, थिकनेस है 8.1 mm, वेट है 187 ग्राम का। और कलर है साइबर ब्लैक मर्ज सिल्वर, वाटरप्रूफ है। दोस्तों ये फ़ोन वाटरप्रूफ में आ रहा है तो इसको आप पानी में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, बारिश हो रही है कहीं भी जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। आपको अलग से थैली वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पानी नहीं जाएगा। ठीक है, और कैमरे की बात करें तो 108 MP का है। सेकेंडरी कैमरा 2 MP का है। और जो इसका फ्रंट का साइड कैमरा होता है ना वो 32 MP का है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग खरीद सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं और गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। इसमें गेमिंग का कुछ किट दिया जाता है और स्पेशल बॉक्स में आता है ये। ठीक है, इसका जो भी यानी बात करूं कि ये कैम यानी मोबाइल का, मोबाइल इतना ज़बरदस्त दिखता है, हाई प्रोफाइल दिख रहा है, आप खुद ही सोच सकते हैं, देख सकते हैं। इसका कैमरा वगैरह जो भी बॉडी है, इसके बैक साइड फ्रंट साइड में जितना अच्छा डिज़ाइन किया गया है उतना अच्छा अभी तक किसी ने दिया नहीं। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आती है तो यही हमें कमेंट कर देना।